फिर उसके बाद स्प्रिंग है, स्प्रिंग का काम है जब हम एक्टिवेटर को या बटन को प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग नीचे जाएगा, फिर जब उस बटन को हम रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो प्रेशर के साथ उसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह होता है वो स्प्रे के फॉर्म में या फोम के फॉर्म में वो आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये उसका बॉडी आर्क हाउसिंग है, फिर उसके बाद उसका डिप जोन है। तो उसका ये जो डायग्राम है ये हमने